भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने जब शुरुआत इसकी कर दी तो छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, तीर हमारा है, मार्केटिंग उसका कर रहे थे, तो 2024 में कैसे आह निकलेगा और क्या हाल होगा राजनीति में तेरा कालिया 2024 में, यह देश की जनता इस कार्टून के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करेगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी ने अब मान लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब आत्मघाती बम है और ओसामा बिन लादेन के राह पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। ये अब अलकायदा और लश्कर ए तोयबा के जैसा जदयू हो गया। राइफल लेकर के भागने वाले लोगों के अंश अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कड़ा जवाब मिलेगा। दशहरा का पर्व भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार में रावण ट्वीट के बहाने बीजेपी और महागठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं। सोशल मीडिया वार के बाद अब नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने किया है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जब उनके नेता ने छेड़ ही दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग फर्जी सनातनी हैं। विजयदशमी के दिन सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, दुश्मन के लिए भी लोग कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी व्यक्तित्व का नामकरण कर ट्वीट कर दिया, जो जेडीयू ने भी उसका इसी तरीके से जवाब दे दिया है। शुरुआत तो कर दिया, परिणाम भुगतने को तैयार रहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपने जब शुरुआत इसकी कर दी तो छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी पगड़ीधारी, फर्जी नामधारी, फर्जी उम्रधारी, फर्जी डिग्रीधारी, सभी फर्जीवाड़ा का अंत करेगा अग्निवीर युवा। और साथ ही साथ जब शुरुआत ही कर दिया तो लीजिए, साफ संदेश है, समझने वाले समझें, अप टू 7 पास हैं, तीर हमारा है, मार्केटिंग उसका कर रहे थे, तो 2024 में कैसे आह निकलेगा, उसके जो विभिन्न स्वरूप हैं वह उभर कर करके आया है, और क्या हाल होगा राजनीति में तेरा कालिया 2024 में। भाजपा के ट्वीट के बाद आरजेडी ने भी भाजपा पर हमला बोल दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जो गैर संस्कारी मर्यादाहीन भाषा का टिप्पणी करते हैं उनकी राजनीति में कोई जगह नहीं है। फर्जी डिग्रीधारी राइफल लेकर भांजने वाले को कड़ा जवाब मिलेगा। गैर संस्कारी, गैर मर्यादा विहीन जो टिप्पणी करते हैं उसको राजनीति में कहीं जगह नहीं है। फर्जी डिग्रीधारी, राइफल लेकर के भागने वाले लोगों के अंश अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कड़ा जवाब मिलेगा, ये बात याद रखिए। नव जो प्रत्यारोपण भाजपा ने किया है गैर संस्कारी लोगों का, भाजपा तो स्वयं समाप्त हो रहा है, भाजपा का 40% चेहरा भी धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, कोई पूछने वाला है? गाली गलौज की भाषा से बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी कि रगेद रगेद सोटा से सोटिया देगी? वहीं भाजपा ने आरजेडी और जेडीयू पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद ने जेडीयू को लश्कर ए तैयबा और अलकायदा जैसी मानसिकता बताया है और नाराजगी जताते हुए कहा कि ये एनिमेशन जेडीयू का वो सच बताता है जिसमें वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर भारत को ऐसी आतंकी विचार में धकेल देना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी ने अब मान लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब आत्मघाती बम हैं और उन्होंने ये भी मान लिया है कि अब अलकायदा और लश्कर ए तोयबा के जैसा जदयू हो गया है और
ओसामा बिन लादेन के राह पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, चूंकि उनको पता है कि सच की विजयी होती है, जो सच है वो सच है। लेकिन आत्मघाती बम बनाने के लिए और बताने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अब आत्मघाती बम हो चुके हैं और लश्कर ए तोयबा और हमास के राह पर हैं, इसलिए माननीय जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि उन्होंने बिहार के जनता को आगाह किया कि नीतीश कुमार से होशियार हो जाएं, चूंकि ये आत्मघाती बम बन चुके हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया पर रावण पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, जिसके बाद अब बयानों से नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।